उधर सिरसा में कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने आज बाढ़ ग्रस्त कई गांवों का दौरा किया और बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। बिजली मंत्री के साथ इस मौके पर बिजली विभाग सहित अनेक विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने संकट की इस घड़ी में ग्रामीणों का हौसला अफजाई की और ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि सरकार ग्रामीणों के साथ खड़ी है। रणजीत सिंह चौटाला ने दावा किया कि फिलहाल सिरसा जिले में बाढ़ की स्थिति कंट्रोल में है और पहाड़ी इलाकों से बारिश की भी कम यहां पर हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि घग्गर नदी में पानी भी पहले के मुकाबले में कम हो रहा है, जिससे लोगों को बाढ़ से राहत मिलेगी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम मनोहर लाल ने सिरसा जिले में बाढ़ से बचाव के लिए 50 लाख रुपए दिए हैं और उन्होंने अपने मंत्री कोटे से 10 लाख रुपए दिए हैं ताकि बाढ़ से बचाव के लिए राहत कार्य ज्यादा से ज्यादा किए जाए और बाढ़ से बचाव किया जा सके। ये 5-6 दिन हमारे लिए बहुत बड़े तकलीफ दे थे, पर हमें पता नहीं लगा कि लोगों ने बहुत हिम्मत करी। पूरा इलाका, चाहे वो कहीं का था, चाहे वो एलाहाबाद में था, डबवाड़ी में था, कालावाड़ी में था या रानिया सरसा में, पूरे गांव के लोग ट्रालियाँ जेसीबी मशीन लेके तुरंत आगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत हमें 50 लाख रुपये अपने फंड से दे दिया, 10 लाख रुपये मैंने मेरे डिस्क्रिशनरी फंड से दिया। पैसा बड़ा नहीं होता, लोगों की जो मेहनत थी ना, दिन रात लोग, औरतें भी आदमी भी, सब ने करके किसी ने हिम्मत नहीं हारी, कोई मकान छोड़ के भागने को नहीं।